आप देख रहे हैं जेके न्यूज टुडे, मैं आपके साथ हिमानी कंधारी। इस समय की सबसे बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि 3 दिवसीय दौरे पर ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो टीम जम्मू कश्मीर में आई थी और कल कश्मीर में उन्होंने जो मीटिंग्स की थी, उसके बाद आज इस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो टीम है वो श्रीनगर से चल पड़ी है और जम्मू किसी भी समय पहुंच सकती है। हम आपको बता दें कि जम्मू पहुंच के वह एक प्रेस वार्ता को संबोधित भी करने वाली है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि कल जो मीटिंग हुई थी वो SKICC में हुई थी, यानी शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में हुई थी, जहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम ने डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मीटिंग की है। इसमें हम बता दें कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज जो शामिल थी वो PDP, BJP, कांग्रेस, NC इस तरह की पार्टी शामिल थी। उनके जो मेंबर्स थे वह आए थे और उन्होंने मीटिंग की और उनका कहना था, सबसे पहला उनका जो रिक्वेस्ट थी या फिर उनका जो कहना था कि जम्मू कश्मीर की जो असेंबली इलेक्शंस हैं वो जल्द से जल्द करवाई जाएँ। जब वह मीटिंग के बाद बाहर आए, जब हमारे संवाददाता ने उनके मूड जानने की कोशिश की, तो उनका यही कहना था कि जो जम्मू कश्मीर की असेंबली इलेक्शन हैं वो जल्द से जल्द होंगी, इसी तरह का उनका कहना था। हम आपको बता दें कि इस 3 दिवसीय दौरे पर इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और उनके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर यानी गणेश कुमार और SS संधू भी आए हुए हैं जम्मू, और इस समय वे कभी भी जम्मू पहुंच सकते हैं। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि उन्होंने सीनियर ऑफिशियल्स के साथ भी मीटिंग की है, पुलिस के या फिर कहें हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी की है, उसी के साथ जम्मू कश्मीर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर PK पोले के साथ भी की है और चीफ सेक्रेटरी के साथ भी की है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि उन्होंने रिव्यू किया है कि किस तरह से जो असेंबली पोल्स हैं उसकी प्रिपेयर्डनेस गई थी कि 30 सितंबर से पहले हो जानी चाहिए, उसी के संदर्भ में इस समय ECI जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। जिस तरह से लोकसभा इलेक्शंस का जो टर्नआउट है वो बहुत ही अच्छा रहा है, और उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया था कि जो असेंबली इलेक्शंस है वो हालात देखते हुए और सारे प्रिपेयर्डनेस देखते हुए जल्द से जल्द करवाई जाएगी। आपको बता दें कि जब मार्च में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के दौरे पर आया था, उस समय सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए थे जम्मू में, क्योंकि जो 2 बाकी की सीट्स थी यानी कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स की 2 सीट्स होती हैं वो वैकेंट थी उस समय। उस समय भी उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी से मीटिंग की थी और यही आश्वासन दिया था कि जो जम्मू कश्मीर की असेंबली इलेक्शंस हैं वो जल्द से जल्द करवाई जाएंगी। इसी के संदर्भ में हम आपको बता दें कि इस समय की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि जो कश्मीर से, श्रीनगर से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम है वो चल पड़ी है और किसी भी समय वो जम्मू पहुँच सकती है।